नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे कुकिंग विद नेहा सिंह चैनल पर। और आज हम आपके साथ एक बर्फ़ी की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। कलाकंद टाइप की बर्फ़ी है। अगर आप भी मलाई से घी बनाते हैं तो उसके खुरचन या मावा से मैंने बनाई हुई है ये मिठाई। और आइए देखते हैं हम इसकी रेसिपी। बहुत ही ईजी सी है। इसके लिए हमें सिर्फ 4 इन्ग्रीडियंट्स चाहिए। मलाई से घी बनाने पर जो मावा निकलता है या खुरचन, वो मैंने लिया है 1 कप के लगभग। 1/3 कप के लगभग मिल्क पाउडर लिया हुआ है। 1/3 कप के लगभग दूध लिया है। इसमें थोड़ी सी मलाई भी है और सेम 1/3 कप ही हमने शक्कर भी ली हुई है। सारा मेज़रमेंट बहुत ईजी सा है। चलिए आइए हम इसे बनाते हैं। सबसे पहले हम एक पैन रख रहे हैं हाई फ्लेम पर। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे या शुगर, और थोड़ा सा पानी इसमें हम ऐड करेंगे, लगभग 2 चम्मच। हमें इसकी बहुत पतली सी चाशनी नहीं बनानी है, इसकी गाढ़ी चाशनी बनानी है, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी मिलाया। अगर थोड़ा कम पड़ेगा तो मैं बाद में यूज़ कर लूँगी। अब इसे हमें लगातार चलाते हुए लगभग 5 से 6 मिनट पका लेना है। देखिए काफ़ी हद तक चाशनी हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी और यूज़ कर रहे हैं, लगभग 1 से 1.5 चम्मच। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लगातार 2 मिनट फिर से पकाएंगे। अब हम इस टाइम पे इसमें दूध मिला रहे हैं। चाशनी अच्छे से रेडी हो चुकी है और दूध को भी हमें लगातार चलाते हुए हाई फ्लेम पर पकाना है, कम से कम 5 मिनट। ये रेसिपी मैंने खुद ही तैयार की है और बहुत ही ईजी तरीके से बताने की कोशिश की है। आप लोग इसे एक बार ज़रूर बनाएं घर पर। दूध को लगभग हमने 5 से 6 मिनट अच्छे से पका लिया है। इसके बाद हम इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर रहे हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें एक भी गुठलियाँ ना रह जाएं। इस टाइम पे गैस की फ्लेम हमें एकदम लो रखनी है, इस बात का आप ध्यान रखें। और जैसे ही मिल्क पाउडर अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब हम गैस की फ्लेम हाई कर देंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे। अगर आप इसे लगातार ना चला पाएँ तो गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रखें और थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहें ताकि ये जले नहीं। लगभग 5 मिनट बाद हम इसमें खुरचन ऐड कर रहे हैं या मावा, जो हमने मलाई से बनाया हुआ था। जो भी मलाई से घी निकालते होंगे उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी डिश है, इससे आपके बच्चे भी खुश हो जाएंगे। और अब हमने इसमें 1 से 2 बूंद नींबू का रस ऐड कर दिया है ताकि इसमें कोई क्रिस्टल ना बने शक्कर की। और इसे भी लगातार हम चलाएंगे। थोड़ी देर में इसमें घी रिलीज़ होने लगेगा, देखिए आप साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा। बस अब इस टाइम पर हम गैस को बंद कर देंगे। इसकी कंसिस्टेंसी हमें इस तरीके की चाहिए, एकदम गाढ़ी सी हो जाएगी। और जब हम इसे ठंडा करेंगे तो ये और ज़्यादा गाढ़ा होने लगेगा, क्योंकि शक्कर और घी दोनों चीज़ें जमती हैं। और इसे हमें थोड़ी थोड़ी देर में चलाते हुए ठंडा कर लेना है। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए तब हम इसमें मिल्क पाउडर ऐड करेंगे, लगभग 2 बड़ी चम्मच। और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिल्क पाउडर यूज़ करने से एक बहुत ही अच्छी थिकनेस हो जाएगी इस बर्फ़ी में और बहुत अच्छा सा टेस्ट भी आएगा। और अब हम इसे ठंडा कर लेंगे। एक 5 मिनट पेपर की सहायता से इसे अच्छे से फैला लेंगे। अगर आपके पास 5 मिनट पेपर ना हो तो आप एक प्लेट के ऊपर इसे रख के अच्छे से फैला लें और उसके ऊपर से हल्के से किसी भी चीज़ से प्रेस कर दें इसे, या अगर आपके पास पलटा हो तो आप उससे प्रेस कर सकते हैं। इसके ऊपर से हम इसे हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे और एक ट्रे की हेल्प से इसे थोड़ा सा दबा देंगे ताकि प्रॉपर एक शेप में आ जाए, ऊंची नीची ना रहे। इस तरीके से हल्की सी नाइफ की हेल्प से मैंने इसको कॉर्नर से एकदम चौकोन टाइप का कर लिया है। अगर आपके पास चौकोन प्लेट हो तो आप उसके ऊपर भी रख के इसे अच्छे से फैला सकते हैं। ये पूरी तरीके से चौकोन शेप में आ चुकी है। अब हम इसे फ्रीजर में रख रहे हैं कम से कम 1/2 घंटे के लिए, और 1/2 घंटे बाद हम इसे फ्रीजर से निकाल रहे हैं। देखिए काफ़ी अच्छी से जम चुकी है बर्फ़ी। अब हम इसके पीसेस कर लेंगे एक चाकू की सहायता से। बर्फ़ी प्रॉपर सेट हो चुकी है, देखिए नाइफ में बिल्कुल भी चिपक नहीं रही है और देखने में ये जैसी लग रही है इससे कई गुना अच्छी है खाने में है। तो मैं कहती हूँ कि आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें घर पर, बहुत ही ईजी सी रेसिपी है। अगर आपके पास मिल्क पाउडर ना हो तो आप इसमें हल्का सा खोआ भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए नाइफ में बिल्कुल भी नहीं चिपकी। देखिए मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखाऊँगी कितनी सॉफ्ट बनी हुई है। देखिए बिल्कुल मार्केट जैसी कलाकंद तैयार है। आपको कैसी लगी हमारी रेसिपी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपके पास काजू या बादाम हो तो आप उसके ऊपर से गार्निश कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा गरी का बुरादा डाल दिया है। अगर आपको इस तरीके की वीडियो पसंद आती हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इस तरीके की नई नई रेसिपीज़ रोज़ अपलोड करती हूँ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।